एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। प्रभात पट्टन में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ ढोल बाजे डीजे साउंड लगाकर आज पूरे गांव में घूमकर गणेश विसर्जन किया गया। इस गणेश विसर्जन में ज्यादा संख्या में महिलाओं की देखने को मिली उपस्थिति। वह पूरे गांव में घूमकर सभी महिलाएं अपनी अपनी टोली बनाकर नाचते हुए झूमते हुए गणपति बप्पा की विदाई की और आने वाले साल पर जल्दी आए ऐसे नारे लगाते हुए बड़ी खुशी के साथ गणेश जी का विसर्जन किया। प्रभात पट्टन के मुख्यमार्ग से होकर बस स्टैंड पर सभी बच्चे महिला पुरुष गणेश जी की शोभा यात्रा में शामिल होकर हर लोगों को गुलाल तरक लगाकर खुशी का इजहार करते हुए गणेश विसर्जन किया गया। विसर्जन के एक दिन पूर्व पूरे गांव को भोजन भी करवाया गया। इतना बड़ा भंडारा पूरे प्रभात पट्टन में सिर्फ नायक मोहल्ले में ही किया जाता है। पूरा समाज एक होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाता है। समाज के पूरे लोग अपने अपने घर से अपने अनुसार शक्ति अनुसार जो भी बन पड़ता है इस कार्यक्रम के लिए सपोर्ट करते हैं। कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए पंचायत स्तर पर काफी अच्छी व्यवस्था की गई। पुलिस चौकी से पुलिस बल भी मुस्तैद रहा एवं राजस्व विभाग की टीम भी बूस्टिंग के तरह पर मौजूद रही। पुलिस विभाग से जानकारी में पता चला कि शांति से विसर्जन हुआ, ऐसा बताया एवं पंचायत के कर्मचारी देवानंद जी द्वारा बताया गया कि दो नाव रस्सी और दो गोताखोर की व्यवस्था की गई थी। एनटीवी टाइम के लिए विजय बंजारी की रिपोर्ट। क्या व्यवस्था है यहाँ पे पंचायत प्रात पट्टन से? हमारी सरपंच महोदया श्रीमती सुनंदा राय सुभाष देशमुख, इनकी तरफ से यह दो तैराक और अपने क्या बोलते हैं दो ट्यूब और रस्से और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की जाती है और पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग हर बार यह मौजूद रहता है। अभी तक जितने भी हमारे गणेश विसर्जन के कार्यक्रम हुए हैं अभी ऐसे कुछ घटना घटी नहीं है। ये आखिरी विसर्जन है? ये आखिरी विसर्जन है नायक मोहल्ले का। बस फिर सारी मूर्तियों के विसर्जन हो चुके हैं। धन्यवाद। बताइए सर, यहाँ तालाब पर गणेश विसर्जन हो रहा है, क्या व्यवस्था है प्रशासन की? तो सब लगी है प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग लगा है। राजस्व विभाग भी और पुलिस? हाँ, पुलिस विभाग। पट्टन पंचायत? हाँ, पट्टन। बताइए सर, आप राजस्व विभाग से हो? राजस्व विभाग से मैं देवेंद्र झाड़े। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग एवं पंचायत कर्मी भी यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ की जनता भी बहुत जागरूक है। व्यवस्थित सभी मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं अच्छे से। आप ये घटना अगर? नहीं, कोई नहीं हुई है घटना, बट शांतिपूर्वक विसर्जन हो गया है। आज अंतिम था। हाँ, अंतिम था शांति से। हाँ, शांति से हो गया। बढ़िया। अब इसके बाद कोई भी मूर्ति विसर्जन? मूर्ति नहीं बचेगी। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।